सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का वजीफा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम को सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार कह ले, कितना आसान है। अभी आप कहना चाहें चंद मिनट में कहा जाएगा, तो कयामत के दिन उससे बेहतर कोई शख्स अमल लेकर ना आएगा। यानी अल्लाह की हम्द कहना, अल्लाह की तस्बीह करना इतना बड़ा काम, मगर जो इतना ही या इससे ज्यादा कहे। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, पहली रिवायत में था ना कि सुबह और शाम को कहा, अब यह कि दिन में किसी ने कहा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं खास समंदर की झाग के बराबर। ये दोनों रिवायात नोट कर लेने की और एक दूसरे को सुनाने की है। बुखारी की 6405 नंबर रिवायत है। सईदना अबू जर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे वो कलाम न बतलाऊं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। मैंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे वो कलाम बताइए जो अल्लाह को बहुत पसंद है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का पसंदीदा कलाम सुभानअल्लाह व बिहम्दिही है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के हैं, कयामत के दिन मीजान में भारी होंगे और वो अल्लाह को बहुत पसंद है। वो ये हैं, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह अलअज़ीम। तो ये कलिमात रब ताला को बहुत पसंद हैं, दोनों ही में अल्लाह की हम्द और अल्लाह की तस्बीह है। यही रिवायत हमें बुखारी में 6406 नंबर पर भी मिलती है।